शॉपिंग के बढ़ते क्रेज को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियां अपनी सेवाओं का विस्तार करने के साथ लोगों को नित नई सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। रवि भोसले द्वारा स्थापित बेंगलुरु की ई कॉमर्स कंपनी शिवूट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ईजबॉय नामक ऐप की सोमवार को इंदौर में विधिवत लॉन्चिंग की गई। इस दौरान कंपनी की निदेशक वीनू त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता ऋतु ग्रोवर, बिग एफएम के क्रिएटिव हेड स्वरूप घोष और रेड एफएम के आरजे रवि मौजूद रहे। इस मौके पर इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कंपनी की इंदौर फ्रेंचाइजी रितंबरा त्यागी ने बताया कि ईजबॉय एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए टैक्सी, ऑटो ऑनलाइन बुक की जा सकेगी, हर तरह का पसंदीदा खाना और नाश्ता अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से मंगवाया जा सकता है। सर्विसेज के जरिए घर की रंगाई, पुताई, फर्नीचर की मरम्मत, बिजली और प्लम्बिंग संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। रितंबरा त्यागी ने बताया कि इस बॉय से घर बैठे ही किराना सहित सभी जरूरी सामान मंगवाया जा सकेगा। यही नहीं, सैलून व पार्लर की सुविधा इस ऐप से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। कंपनी के रीजनल मैनेजर वारिस निजामी ने बताया कि इस बॉय ऐप पिकअप ड्रॉप, दवाइयों की घर पहुंच डिलीवरी, घर शिफ्टिंग और कपड़ों की धुलाई तक की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा। यह बहुआयामी और बहुउपयोगी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। त्यागी और शिवूट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसके फाउंडर डायरेक्टर हैं रवि राव सॉलोमन। एंड उनके विजन है कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आए जिसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड काम ना करें, हम एज मेनी पीपल को हम गैदर कर सकें और उनको सर्विस प्रोवाइड करा सकें, वो हमारा एम है। और इस विजन में आई कम्प्लीटली बिलीव एंड दैट्स हाउ आई टुक द कॉल कि इंदौर में इस एप्लीकेशन की बहुत ज़रूरत है। एंड फाइनली हमने फ्रेंचाइजी इसका लिया एंड इंदौर में इस एप्लीकेशन लेकर आए हैं। काफ़ी सारे वेंडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में हम एक बड़ी तादाद में इंदौर, जो कि हमेशा से सपोर्टिव रहा है, हमेशा से नई चीज़ों के लिए एक्सेप्टिंग रहा है, उस चीज़ को हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे भी हमें वैसा ही सपोर्ट मिलने वाला है इंदौर से।